सो हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे, अगर अभी तक आपने IDBI बैंक में आधार कार्ड नहीं लिंक कराया हुआ है, तो आप कैसे आप अपने घर बैठे ही IDBI बैंक में आधार कार्ड लिंक करवा सकते हो। इसके लिए आपको नहीं किसी ब्रांच पे विजिट करना है, नहीं आपको किसी ATM पे विजिट करना है। तो यहाँ पे आज के स्टूडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप या फिर फॉरवर्ड मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करा दूँ कि अगर मान लीजिए आपका कोई और बैंक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, ICICI पंजाब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा, कोई भी ऐसा बैंक है जो आप बैंक यूज करते हो, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। मैंने आपके भी रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ थी कि आप कैसे आधार कार्ड लिंक कर सकते हो। इसके लिए आपको आई बटन पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आधार कार्ड का, तो उस पर आप क्लिक करके आप वहां से आप अपने रिलेटेड जो भी जिस भी बैंक का आप देखना चाहते हो, आपके बैंक का वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। सो चलिए, आज की स्टूडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप IDBI बैंक में आप कैसे आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपने ये सब सारी चीज़ें परफॉर्म करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट मैसेज में आ जाना है, जिसको हम इनबॉक्स बोलते हैं, वहाँ पे राइट मैसेज में आ जाना है। राइट मैसेज में आने के बाद आपको यहाँ पे एक नंबर टू में आपने यहाँ पे नंबर टाइप करना है, जिस भी नंबर पे आपने SMS करना है तो आपने यहाँ पे वो नंबर टाइप कर देना है, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये नंबर आपने टाइप कर देना है। ये नंबर टाइप कर देने के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे टाइप टेक्स्ट मैसेज का। तो यहाँ पे आपने कैसे टेक्स्ट का टाइप करना है, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा दोनों साइड कि आपने इंस्ट्रक्शन कैसे करना है और फॉलो कैसे करना है। तो इनके इंस्ट्रक्शन को भी आप फॉलो कीजिएगा, कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी मिस्टेक करेंगे तो आपका आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपने यहाँ पर टाइप करना है, कैपिटल में लिखना है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने कैपिटल में लिखना है AADD, आप देख लीजिए AADLINK लिंक आपने लिखने के बाद स्पेस देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आप अपने 12 डिजिट का आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर हो वहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। आधार नंबर डालने के बाद आपने एक स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद आपने यहाँ पे आपने अपना 15 डिजिट का जो भी IDBI का बैंक अकाउंट नंबर है, आपने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देना है। जैसे कि ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे एक अकाउंट नंबर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है। आप जैसे 15 डिजिट का अकाउंट नंबर आप टाइप कर देंगे तो फिर आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको एक सेंड मैसेज सेंड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सो सिंपली आपने क्या करना है, मैसेज को सेंड कर देना। आप जैसे मैसेज को सेंड कर देंगे तो आपको बैंक की तरफ से, IDBI बैंक की तरफ से एक मैसेज आपको रिसीव होगा कि आपका जो IDBI बैंक में आपने आधार कार्ड लिंक का जो रिक्वेस्ट दिया हुआ है हमने मिल चुका है, तो बहुत ही जल्दी आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट में लिंक कर दिया जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आप IDBI बैंक में अगर आप आधार कार्ड लिंक करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी वे में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो। सो फ्रेंड, आज की स्टूडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे, अगर आप IDBI बैंक में आधार कार्ड लिंक करना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी वे में कर सकते हो आधार कार्ड को लिंक अपने बैंक से। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त वाली को इजाजत दीजिए, मिलते से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।